हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करिबा ट्रैफिक कांस्टेबल एवं ओपीएससी एसओ पई एवरीडे साइंस रो 25 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये 25 टी प्रश्न रो आपण माने केतोटी ठीक करि पारुछंती वीडियो सरिबा परे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबे। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्वरु जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांती एबे सब्सक्राइब करनियंतो पाखरे थिबा घंटी चिन्ह रे दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि मु जतेबेले भी कोनोसी वीडियो अपलोड करिबे आपण माने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु स्टार्ट करिबा। आज प्रथम क्वेश्चन टे कौन रही? द फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंजर्वेशन ऑफ कहा सहित संबंधित? यार सठिक आंसर टी हूँ एनर्जी। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सहित संबंधित। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करिया पई कौ यूनिट यूज करा जाय थाई? एहर सटीक आंसर टी होउची टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करिया पई टेस्ला यूनिट यूज करा जाय थाई। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज टर्म्ड एज। तो जो लिक्विडटा गैस को चेंज होता है कौन प्रोसेस रे होता है? यार सटीक आंसर टी हूँ वेपोराइजेशन। तो यार मन रखत सॉलिड लिक्विड आउ गैस जितेबले सॉलिडटा लिक्विड को कन्वर्ट होता है तो से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना मेल्टिंग। तो जितेबले लिक्विडटा पुणी सॉलिड को कन्वर्ट होता है से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना फ्रीजिंग। तापर जत लिक्विडटा गैस को कन्वर्ट होता है ताको कौन कहा जाए ना वेपोराइजेशन किंबा इवापोरेशन कहा जाए। तापर जो गैसटा पुणी लिक्विड को कन्वर्ट होता है से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना कंडेंसेशन। तापर सॉलिडटा डायरेक्ट गैस को कन्वर्ट होगा से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना सब्लिमेशन। तो सॉलिड लिक्विड रे कन्वर्ट होगा कहा जाए मेल्टिंग। तापर लिक्विड सॉलिड रे कन्वर्ट होगा कहा जाए फ्रीजिंग। तापर लिक्विड गैस रे कन्वर्ट होगा कहा जाए वेपोराइजेशन किंबा ताकु इवापोरेशन कहा जाए। तापर गैस लिक्विड रे कन्वर्ट होगा कहा जाए कंडेंसेशन। तापर सॉलिडटा डायरेक्ट गैस रे कन्वर्ट होगा कहा जाए सब्लिमेशन। तो यार समस्त पॉइंट इंपोर्टेंट रही आपण मानक मन रखा पड़ नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कालर क्वांटिटी। निम्नलिखित मध्य कौटा गोटे स्कालर क्वांटिटी? यार सठिक आंसर टी हूँ मास। तो स्कालर क्वांटिटी क्या कहा जाए ना जो फिजिकल क्वांटिटी रो केवल मैग्नीट्यूड थाई ताको कहा जाए स्कालर क्वांटिटी। तो ये जो रही मोमेंटम फोर्स और वेलोसिटी ए तीनोटी हूँ गोटे गोटे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या कहा जाए ना जो फिजिकल क्वांटिटी रो उभय मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन थाई ताको कहा जाए वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम फोर्स वेलोसिटी एतनोटी होची वेक्टर क्वांटिटी, मास होची स्कालर क्वांटिटी। नेक्स्ट, नेम द मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विथ एसिड्स एज वेल एज बेसेस। जो मेटल ऑक्साइड्स एसिड सहित बेस सहित मध्य रिएक्ट करिथाई ताको कौन कहा जाए? यार सठिक आंसर टी होची एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड एसिड एवं बेस सहित रिएक्ट करिथाय ताको कहा जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, गालिना इज एन ओर ऑफ कहार गोटे ओर होची गालिना। यार सठिक आंसर टी होची लीड। तो गालिना लीड रो ओर। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट यूज्ड टू मेक द कॉयल्स यूज्ड इन वाटर हीटर्स। वाटर हीटर जो कॉयल लगी थाई तो से कॉयल कौन एलिमेंट रे तैयारी होई थाई? यार सठिक आंसर टी होची निक्रोम। वाटर हीटर रे जो कॉयल लगी थाई से कॉयल निक्रोम एलिमेंट रे तैयारी होई थाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानको मन रखिया पई पड़िबो। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित मध्य कौ पेयर टी ठीक भाव मैच है ना? यार सठिक आंसर टी होची
हेमाटाइट कॉपर, तो ये पेयर टी भूल अच्छी। हेमाटाइट कहार उर ना, हेमाटाइट हूँ आयरन रूर, कॉपर रूर नुहे। जो रही बॉक्साइट, बॉक्साइट हूँ आलुमिनियम रूर, यहाँ ठीक अच्छे। तापर मोनाजाइट थोरियम रूर, यहाँ ठीक अच्छे। तापर पिट्स ब्लेंडे, यहाँ हूँ यूरानियम रूर, किंतु हेमाटाइट कॉपर रूर नुहे, हेमाटाइट हूँ आयरन रोटे उर। नेक्स्ट, हु इनवेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट किए आविष्कार करते। यार सठिक आंसर टी अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट आविष्कार करते। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ, ह्यूमन बॉडी रे कहार अभाव रे डिहाइड्रेशन होता है। यार सठिक आंसर टी वाटर, ह्यूमन बॉडी रे वाटर रो अभाव रे डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट, लेप्रोजी इज अल्सो नोन एज, लेप्रोजी को आउ कौन कह जाए। यार सठिक आंसर टी हानसेंस डिजीज, लेप्रोजी कहा द्वारा होता है ना बैक्टीरिया द्वारा। ये क्वेश्चन टा मध्ये आसी थाई कि लेप्रोजी कहा द्वारा होता है ना बैक्टीरिया द्वारा, लेप्रोजी को आउ कौन कह जाए, हानसेंस डिजीज कह जाए। नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ डाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, डाइजेशन सरीबा परे जो एनर्जी रिलीज होता है तो सहीटा कौन फॉर्म रे रिलीज होता है। यार सठिक आंसर टी होची केमिकल एनर्जी, डाइजेशन सरीबा परे जो एनर्जी रिलीज होता है सहीटा केमिकल एनर्जी फॉर्म रे रिलीज होता है। नेक्स्ट, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, इंडिया रे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कौंठार अवस्थित। यार सठिक आंसर टी होची लखनऊ, इंडिया रे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ठारे अवस्थित। एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकु मन रखिया पे पड़िबो। जो माने वीडियो को लाइक करिना ते फटाफट लाइक कर दिंतु एवं सब संग मानक सहित शेयर मध्ये कर दिंतु। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट नेचुरल फाइबर, निम्नलिखित मध्य कौटा स्ट्रांगेस्ट नेचुरल फाइबर। यार सठिक आंसर टी होची सिल्क, सिल्क हूँ स्ट्रांगेस्ट नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट, एसिटिल सालिसाइक्लिक एसिड इज कमनली यूज्ड एज, एसिटिल सालिसाइक्लिक एसिड साधारणतः कौन भाव यूज होता है। यार सठिक आंसर टी होची पेनकिलर, एसिटिल सालिसाइक्लिक एसिड साधारणतः पेनकिलर भाव यूज होता है। नेक्स्ट, व्हिच केमिकल इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, मांस पदार्थ को सुरक्षा रखिबा पई कौन केमिकल यूज कर जाय थाय। यार सठिक आंसर टी होची फॉर्मालिन, मांस पदार्थ को सुरक्षा रखिबा पई फॉर्मालिन केमिकल यूज कर जाय थाय। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब रे कौन सब्सटेंस अधिक यूज होता है। यार सठिक आंसर टी होची मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन, फ्लोरोसेंट ट्यूब रे मर्क्यूरी वेपर एवं आर्गन सब्सटेंस अधिक यूज होता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स आर कैलकुलेटेड इन, तारा मानक मध्य डिस्टेंस कौन थी कैलकुलेट कर। यार सठिक आंसर टी होची लाइट ईयर, तारा गुड़िक मध्य डिस्टेंस लाइट ईयर मध्यम कैलकुलेट कर। नेक्स्ट, रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स बिकॉज़ इट इज, सिग्नल गुड़िक कौन पर रेड लाइट यूज कर। यार सठिक आंसर टी होची लॉन्ग वेवलेंथ, रेड लाइट रे कौन रही ना लॉन्ग वेवलेंथ रही, से सिग्नल गुड़िक रेड लाइट यूज कर। एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकु मन रखिया पई पड़िबो। नेक्स्ट, ए पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन प्रिंसिपल रे पेरिस्कोप काम करुछि। यार सठिक आंसर टी होउछि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल रे पेरिस्कोप काम करुछि। नेक्स्ट, स्मॉल बबल्स आर परफेक्टली स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, छोट बबल गुड़िक परफेक्टली स्फेरिकल शेप कौन पाई है थाई, तार कारण कौन। यार सठिक आंसर टी होची सरफेस टेंशन,
तो छोट बबल गुड़िक सरफेस टेंशन स्पेरिकल सेप होता है। नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, निम्नलिखित मध्य कहार स्पेसिफिक हीटर हाईएस्ट वैल्यू रही, यार सठिक आंसर टी हूँ वाटर। तो वाटर रो स्पेसिफिक हीटर हाईएस्ट वैल्यू रही। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन किरोसिन ऑयल, निम्नलिखित मध्य कौ मेटल को किरोसिन ऑयल रे स्टोर करके रखा जाए थाई, यार सठिक आंसर टी हूँ सोडियम एवं ता सहित पोटासियम को मध्य रखा जाए थाई। कहीं सोडियम एवं पोटासियम मेटल एयर संस्पर्श रे आसिले निया लागि जाय थांती, सति पई सोडियम एवं पोटासियम मेटल को केरोसिन ऑयल रे स्टोर करके रखा जाय थाई। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स इज अबंडेंट इन ग्रेप्स टामारिंड एंड बनाना, अंगूर तेंतुली एवं कदळी रे कौ ऑर्गेनिक एसिड अधिक रही, यार सठिक आंसर टी होउची टार्टारिक एसिड, अंगूर तेंतुली एवं कदळी रे टार्टारिक एसिड अधिक रही। नेक्स्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रे एलिमेंट गुड़ी को किपरी अरेंज कर जाइछि, यार सठिक आंसर टी होउची इनक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रे एलिमेंट गुड़ी को इनक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अनुसार अरेंज कर जाइछि। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीवा पानी रे जीवाणु गुड़ी को नष्ट करिया पई कौन यूज कर जाय थाई, ए क्वेश्चन टी आपण मानन को होमवर्क दउची, ए क्वेश्चन रो आंसर टी आपण मानन को कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पई पड़िबो। आज मोर ए वीडियो टी आपण मानन केमिति लागिला, जदि भलो लागिला ताले गुटे लाइक कर दिंतु, आउ संग मानन को सहित फेसबुक रे व्हाट्सएप रे सबले शेयर कर दिंतु, आउ एई बली वीडियो सबले देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु। आज पैंती के रखुची, जय जगन्नाथ।